आप लोग? बताया भी। हाँ तो मैं कह रहा था कि यार अब त्योहारों में ना पहले जैसी बात नहीं रही, वो रौनक वो उत्साह जो कभी हमारे जमाने में हुआ करता था वो अब कहाँ। लेकिन भारत में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ मनाए जाने वाले त्योहारों का बोलबाला और शोर शराबा विदेशों तक है। और बात जब होली मनाने और खेलने की हो तो आंख बंद करके भारत के मैप में उंगली रखना, उंगली मथुरा पे जाएगी। तो मैं भी वहीं चला गया और पूरे 3 दिनों तक वृंदावन में होली मनाने का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और मैंने क्या क्या किया वो तो आपको वीडियो में देख के पता चलेगा ना। तो चिंटू चमकीले इंट्रो लगा बेटा। ओए लखनी प्याली। मेरे चरने में आपका कोटी कोटी प्रणाम। भाई वीडियो बनाने के चक्कर में हैप्पी होली। अभी तो यहाँ की लठमार होली होगी। मैं आँख में चला गया है। इस वक्त मैं हूँ तो मैं अभी जा रहा हूँ वृंदावन और अचानक से मेरा प्लान बना है तो अभी 11:20 की ट्रेन है और मैं करेक्ट 11:10 में पहुँच चुका हूँ। तो मेरी ये कहानी शुरू होती है रेलवे स्टेशन से, जहाँ मैं ट्रेन आने से मात्र 10 मिनट पहले ही पहुँचा। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर आते ही भगदड़ मची। ऐसा लग रहा था मानो किसी चरवाहे ने अपनी भेड़ बकरियाँ खोल दी हों। मैं खुद भीड़ को हकालता हुआ ले गया। अब मेरा रिजर्वेशन तो था नहीं, तो मैं जनरल डब्बे की तलाश में भागा और जहाँ जगह मिली वहाँ पैर डाल दिया। बड़ी मशक्कत के बाद डब्बा, बाद में पता चला ये तो विकलांग डब्बा है। और इस कोच में भी लोग रायते की तरह फैले हुए थे, तो मैं भी बूंदी की तरह बिखर गया। सारी रात शौचालय से बह रही बासमती इत्र की खुशबू ने मुझे जगाए रखा। सुबह मथुरा पहुंचकर सबसे पहले मैंने होटल ढूंढना शुरू किया। यहाँ रूम के रेट तो ऐसे आसमान छू रहे थे जैसे होटल चांद पर बना हो। खैर फिर काफी जांच पड़ताल और पूछताछ करने के बाद मुझे मेरे बजट अनुसार एक रूम मिल गया, जहाँ मैंने कपड़े बदले, अपना बैग फेंका और निकल गया। पहले तो आंख बचाने के लिए चश्मा खरीदा, फिर वहां लोगों से पूछते हुए मैं मंदिर की तरफ जाने लगा। तभी एक भले मानुष ने खाने पर बुलाया और बिठा के भोजन खिलाया। अभी मैं जा रहा हूँ प्रेम मंदिर, बट लोग कह रहे हैं कि अभी मत जाओ, शाम में जाना, इस समय मंदिर बंद होता है और धूप भी बहुत तेज हो रही है। तो फिर यह है इस्कॉन टेम्पल, जहाँ कीर्तन भजन करते अंग्रेजों को जब मैंने देखा तो मेरा खोपड़ा झन्ना गया। हिंदी भजनों से इन्होंने ऐसा माहौल पैदा किया कि सभी भारतीय डांस फ्लोर पर आ गए। इतने शोर में भी दो लोग सो रहे, लग रहा है उसी ट्रेन में आए थे जिसमें मैं आया। खैर यहाँ थोड़ा वक्त बिताने के बाद जब ये मंदिर बंद होने लगा तो मैं वापस कुल्फी खाते खाते अपने होटल की तरफ आ गया। तो चुपती गर्मी में कुल्फी का सहारा है। किसी ने मेरे को रंग लगाया ना, मेरी नाक में चला गया। मतलब एक तो यार पता नहीं क्या शरीर है मेरा, धूप में जाऊंगा तो काला हो जाऊंगा या दाने निकल जाएंगे चेहरे पे। दूसरा कुछ भी आंख में चला गया तो आंखें एकदम लाल हो जाएगी, जैसे गांजा मार के आया हूँ। और तीसरा भाई किसी ने रंग ऐसा उड़ा दिया कि वो नाक में चला गया, अब तो छींके ही आई जा रही है, दिक्कत ही दिक्कत है। 1 hour later तो अब 4 बज चुके हैं और हम वापस जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर की तरफ। अपना चश्मा बंदरों से बचाना भी है, क्योंकि बंदर यहाँ बता रहे हैं कि उठा के ले जाते हैं भाई चश्मा वश्मा। आज ही सुबह खरीदा है मैंने चश्मा, मैं युद्ध छेड़ दूंगा अगर मेरा चश्मा चोरी हुआ। यहाँ के बंदर बहुत ही मजे हुए बर्तन सॉरी बंटी, तेरा साबुन स्लो है क्या? यहाँ किसी भी तरफ से पानी और रंग आ सकता था, तो मेरा सारा ध्यान फोन को बचाने में लग गया। मंदिर में लोगों की अताह भीड़ देखकर मेरे दिमाग ने तो चलना ही बंद कर दिया, सब कुछ मेरी समझ से बाहर था। इतनी भीड़ और लगातार धक्के खाकर समझ ही नहीं आया कि प्रभु की मूर्ति किधर है, हाथ कहाँ जोड़ू। हवे में गुलाल ने कोहरा जमा दिया। जब तक कुछ समझ आता भीड़ के बहाव ने मुझे बाहर कर दिया। क्या करता, भीड़ ही इतनी थी, मैं यहाँ तक आया वही बड़ी बात है, मैंने उसी को दर्शन मान लिया। बाकी बाके बिहारी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। राधे राधे।
यहाँ से बाहर आते ही मैं भीड़ की उंगली पकड़कर स्नेह मंदिर पहुंचा, जहाँ रंगों में ढला रंगारंग कार्यक्रम हो रहा था। यहाँ का माहौल और वाइब ऐसी थी कि आंखें चौड़ी हो जाएं और रोंगटे स्टैंडिंग ओवेशन देने लगे, मतलब शब्दों में बयां नहीं कर सकते। थोड़ी ही देर बाद प्रसाद बंटने लगा। कहते हैं ये सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है, और मैं तो भीड़ के भी बाहर था, तो मेरे नसीब में ये शायद ही होगा। यहाँ से निकलते मुझे मिले एक बहुत बड़े यूट्यूबर, ओए लखनी। फिर मैं आया प्रेम मंदिर, जिसकी सुंदरता को निहारते निहारते लग रहा था कि कहीं मेरी आंखों की गोटियां बाहर ना आ जाएं। क्या है ये, यहाँ भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सर पे पैर रख के चलना पड़ रहा था। दर्शन करके जब मैं होटल की तरफ जा रहा था तो रास्ते पर यह अतरंगी सी चीज दिखी, मैं तो इसका नाम भी भूल गया, लेकिन खाने में थोड़ी सी अच्छी थी, मतलब कुछ अलग था। मैं अभी अभी होली खेल के घर आ रहा हूँ, बज रहा है 10:59, 11 बज गए हैं। अभी अभी मैंने मुंह धुलाया है, ठीक है, इतना साफ नहीं था मैं अभी, और ये मेरे कपड़े वपड़े गंदे हो चुके हैं, बाल भी गंदे हैं, मैंने बाल नहीं धुले। नहीं, कल मिलता हूँ कल। The next day. Day 2 in Vrindavan. और मैं जा रहा हूँ आज मथुरा, तो आज मथुरा की होली देखूंगा कैसी होती है और दिखाऊंगा आप लोगों को, तो उससे पहले थोड़ा पेट पूजा कर ली जाए। तो अब ई रिक्शा में बैठकर हम ई स्टाइल मारते हुए सोच रहे थे कि बस लठ मार होली के 2-3 लठ कमर पर पड़ जाएं तो कमर दर्द की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाए। मथुरा पहुंचकर सबसे पहले मैं आया श्री कृष्ण जन्मभूमि, परंतु इससे पहले कि मेरा नंबर आता ये मंदिर बंद हो जाता। कृष्ण जन्मभूमि में आए थे तो यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था, और फोन जब्त करने के लिए लाइन लगाई तो वो लाइन काफी लंबी है, इतने में तो जब तक हमारा नंबर आएगा उतने में वो मंदिर ही बंद हो जाएगा। इसलिए ज्यादा मायूस ना होते हुए मैंने आसपास टहलकर मथुरा वासियों को खोजना शुरू किया, ताकि मैं कुछ और प्रमुख जगहों के बारे में जान सकूं और उन्हें एक्सप्लोर कर सकूं। क्या कर रहा है, थूतरी चले है चपर चपर, ये मथुरा की लैंग्वेज है जो मैंने सीखी है। ये दीवार है जी, है तो ये कंस का महल था, जमुना किनारे ही उनका महल था। दादी ने मुझे कंस का किला, विश्राम घाट और द्वारिकाधीश जाने की सलाह दी। दादी की जय हो। बांसुरी ले लेता लेकिन बांसुरी बजानी नहीं है। सबसे बेस्ट होती है मथुरा की होली, सबसे बेस्ट होती है। बरसाने की होली हो गई, नंदगांव की हो गई, अब रह गई मथुरा, सबसे ज्यादा मजा यहीं आता है। अभी तो यहाँ की लठमार होली हो गई। आज होलिका दहन है और यहाँ एक भाई साहब अपनी होलिका सजा रहे हैं, और मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि इन्होंने यहाँ पर गुड़िया, मेरा मतलब है लखनऊ में इस तरीके से होलिका नहीं मनाते, लेकिन यहाँ इन्होंने प्रॉपर जो होलिका को रखा है और उनकी गोद में प्रहलाद जी को रखा है, ये देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मुझे पूछने की इच्छा हुई। भैया इसको जला भी देते हैं क्या आप, पूरा जला देते हैं क्या इसको, इसी के साथ जला देते हैं? अच्छा, तो मैंने उनसे जाकर पूछा कि क्या आप इसे ऐसे ही जला देंगे, तो उन्होंने कहा हाँ। तो ये मेरे लिए बहुत नई चीज़ थी। होलिका जलेगी 11 बजे। मथुरा की गलियां नापते हुए पहले मैं आया कंस का किला देखने। मुझे लगा बस इतना ही है, तो मैं झूला झूलने लगा, और जैसे ही मैंने नजरें ऊपर घुमाई तो देखा कि दो लोग इसकी छत से नीचे झांक रहे थे। तब मैंने रास्ता खोजा और चढ़ाई कर दी। ऊपर से काफी तगड़ा व्यू आता है। और नदी से तेज तो यहाँ हवाएं बह रही थी, मेरे पूरे कान के पर्दे सुखा दिए। काफी देर से पैदल घूमते घूमते अब भूख प्यास निकट आ गई, तो मैं दुकान की तरफ कुछ खाने भागा और मैंने बोला जो कुछ है थोड़ा थोड़ा सब दे दो। एक दुकान से पानी मांगा तो उन्होंने बिस्लेरी का भाई पकड़ा दिया, बेस्ट लेरी। अब पेट में खाना जाते ही इंसान को क्या चाहिए, आराम, इसलिए मैं आ गया विश्राम घाट। यहाँ घाट पर बैठे मैंने दो नौजवानों को देखा जो भांग लस्सी पीकर एक अलग ही दुनिया में प्रवेश कर चुके थे, और अब इनका इस दुनिया से कोई नाता नहीं था, तो इनका नशा उतारने के लिए एक लड़का उनके सर पे पानी डालने लगा। ऐसे नहीं उतरेगी भाई, वो जब तक पेट में रहेगी उतरेगी नहीं। दिन के 4 बजे मैं आया द्वारिकाधीश मंदिर, जहाँ मैंने प्रभु के दर्शन किए और एक अलग ही प्रकार की आरती देखी, शायद इसे भस्म आरती कहते हैं,
अब अंधेरा होने ही वाला था तो मैं वापस वृंदावन की तरफ चला गया, जहां रात में मुझे कुछ फिरंगी दोस्त मिले। मिले क्या मतलब बन गए, तो थोड़ी मस्ती मैंने इन लोग के साथ भी करी। What's your height? 6'2". 6'2". And yours? Yeah, 6'3". Same like. I'm 5'7". I'm not a complain boy. और इन लोगों से हंसी मजाक करने के चक्कर में होलिका दहन देखना भूल गए। मेरा मतलब है होलिका दहन हो चुकी थी, तो फिर मैं गया और मैंने थोड़ी परिक्रमा करी और इसके बाद मैं होटल में आकर सो गया। The next day. आज है होली और मैं सुबह सुबह तैयार होकर रेडी था होली खेलने के लिए। सबसे पहले मुझे इन दीदी ने रंग लगाया और गुजिया खिलाई। ये शायद हमारे होटल की ओनर थी। आज तो मैं बड़ा खुश था क्योंकि बीते दो दिनों में मैंने इतना कुछ देख लिया था और आज तो मैं पूरी चार आंखों के साथ वृंदावन की होली देखने को उतावला हो रहा था। सड़क पे तैनात यहाँ के होनहार रंगरसियों को देखकर बस ये डर था कि कहीं मेरे फोन पर पानी ना फेर दें। यहाँ मुझे बड़े मिलनसार लोग मिले जो रंग लगाते हुए होली की बधाइयां दे रहे थे और इनमें अंग्रेज भी शामिल थे। मिलिए गोरी मैम से, ये स्विट्जरलैंड से यहाँ होली खेलने आई हैं। अब किसी मंदिर में जाकर आज की भीड़ से मुकाबला करना असंभव था, क्योंकि जब रोड पर ही इतने लोगों का मेला लगा है तो मंदिर में क्या ही मंजर होगा। इसलिए मैं आ गया गौरी गोपाल जी की गौशाला में, यहाँ पे हो रहा है कीचड़ों से होली हो रही है, जहाँ सब मिट्टी के रंग में रंगे थे। तो मैंने भी इस मंजर को पास से अपने कैमरे में कैद करने का सोचा। राधे राधे गुरु जी, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। और जहाँ मेरी नजर हटी, दुर्घटना घटी। वीडियो बनाने के चक्कर में ये देखो क्या हो गया, मेरे शरीर का पूरा आधा हिस्सा माटी का हो गया। एक रंगबाज ने चुपके से आकर पूरी बाल्टी उड़ेल दी। मेरे साथ अन्याय हुआ। हैप्पी होली, हैप्पी होली। सड़क पर चलते चलते मुझे पता नहीं था कि मैं किधर जा रहा हूँ, बस मैं भीड़ का पीछा कर रहा था और आते जाते रंग बिरंगे चेहरे और चेहरे की खुशी देख रहा था। यहाँ के वातावरण में इतना गुलाल था कि मैंने तो खरीदने की भी जरूरत नहीं समझी। चारों तरफ खुशी का माहौल, कोई किसी को भी रंग लगा दे रहा, सब एक दूसरे से ऐसे मिल रहे जैसे कल रात सबने साथ में डिनर किया हो। यही तो खासियत है होली की, आज तो दुश्मन भी गले मिल जाते हैं और मैं भी सोच रहा हूँ कि किसी लड़की से दुश्मनी कर लूं। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली। एक साथ ही यहाँ इतना कुछ हो गया कि मैं नन्ही सी जान क्या क्या देखूं। कपड़े का हंटर बनाकर कोड़े बरसाती मोहतरमा देखूं, या गाना गा रहे लड़कों की महफिल का हिस्सा बनूं। किसी ना किसी चीज पर तो नजरें गड़ानी ही थी और इन्हीं सब में कोई एक मुट्ठी गुलाल मेरी आंखों में भर के चला गया। पूरी आंखें गुलाबी हो गई। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। मैं आंख में चला गया यार, आंख में मार दिया धक्के से, पीछे से मारा उसने, चश्मा लगाया फिर भी यार। अब ये छोटी मोटी चीजें होना बड़ी आम बात थी, लेकिन यार मुझे अपनी आंखों को धुलने के लिए पानी नहीं था तो मुझे आंसुओं से अपनी आंखें धुलनी पड़ी और धुल भी गई। मामला ओके होते ही एक भैया जी मिले जो सबको लड्डू पकड़ा रहे थे, तो मैंने भी पकड़ लिया और इतना तो मुझे समझ आ गया था कि ये भांग का लड्डू है, तो मैंने एक मजे मजे में खा लिया। और कुछ घंटे बाद इस वक्त मैं हूँ वृंदावन में और ये देखिए मेरे पीछे बकरी। मजाक कर रहा हूँ गाइस, मैं एकदम होश में था और मुझे कुछ नहीं हुआ। तो बस अब आप लोग कमेंट में बताना कि आपको वृंदावन की होली कैसी लगी और वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मैं दुआ करता हूँ कि ईश्वर आपकी जिंदगी रंगों से भर दे, रंग बदलने वालों से नहीं। राधे राधे। मेरा गला हलक तक सूख गया। इस समय मैं हूँ यमुना तट पर, नहा धोकर निकल जाऊंगा वापस। यार भांग का हथगोला खाया था, ऐसा लग रहा है कुछ तो हो रहा है भाई।